बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों परेशानियों से बचाए और हर तरह के नज़र जुकाम से भी बचाए और अल्लाह ताला अपने घरों में आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर हम लोग क्या बना रहे हैं? सबसे पहले पालक सुहाजना गोश्त क्या बना रहे हैं मुझे? हाँ, ये हम लोग बना रहे हैं सुहाजना कीमा, बनते हैं ना उसमें सुहाजना पालक कीमा, कीमा पा। हाँ, आप लोगों ने पता नहीं कभी बनाया नहीं बनाया, हमने बनाया है और बहुत मज़े का बना है और हम लोगों ने खूब खाया है। हाँ, तो इसके लिए हमने तकरीबन 250 ग्राम पालक, 250 ग्राम सुहाजना थी बस थोड़ी सी, और क्या नाम है इसमें थोड़ी सी बस क्या नाम है 250 ग्राम ही कीमा था ना अम्मी, तीनों एक क्वांटिटी थी। अच्छा, इसके बाद हमने एक कढ़ाई के अंदर 250 ग्राम यानी एक पाव है ना, एक पाव इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला और इसके बाद 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी, जिसको हम लोग बारीक बारीक जो इस तरह काट के डालते हैं। अब इसके बाद 1 टेबल स्पून क्रश्ड गार्लिक यानी पिसा हुआ लहसुन डाला है। अब इसको अंदर डालकर इसको भी हल्का सा गोल्डन लाइट सा फ्राई करना है। हाँ, बस हमने इतना ही फ्राई करना है। इसको भी हम साथ साथ स्पून चलाते जाएंगे ताकि हमारी प्याज और साथ में लहसुन ना जले ना। और अम्मी क्या बोलना चाहेंगे आप? अब इसके अंदर ये बस हम वो डालेंगे इसके अंदर, अब हम ये जो लड्डू बने हुए हैं सुहाजना के लड्डू। अच्छा, अगर आपने मेरे पीछे पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी तो हमने इस तरह करा था कि इनका एक एक पानी उबाल कर फेंक दिया था। सुहाजने के तो 3 पानी ही फेंके थे ना? हाँ, सुहाजने के 3 पानी चेंज करे थे और उसका पालक का पानी चेंज नहीं करा था, पालक को खाली हल्का सा बॉईल करके रख दिया था हम लोगों ने। हाँ, पालक का पानी चेंज नहीं करा था। अच्छा, अम्मी ने इस तरह करेंगे, तीनों चीज़ें एक साथ ही डाल दी हैं और बस कीमा भी डाल दिया, सुहाजना भी डाल दिया और पालक भी, ये सब डाल के साथ ही डाल के ना सोन के चढ़ाते हैं ना, इसे सोन के चढ़ा दिया था मैंने। हाँ, और अब इसके बाद इसके अंदर आती है मसालों की बारी। मसालों में वो सिंपल से स्पाइसेस होंगे इसके अंदर हमेशा की तरह एक जैसे मसाले। 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे और क्रश चिली इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 4 चम्मच भरकर, और सॉल्ट डालेंगे इसके अंदर, सॉरी 4 चम्मच नहीं, ये हमारा 1/2 टेबल स्पून वाला स्पून है इसलिए हम लोगों ने ये वाला 4 डाले, तो ये 2 टेबल स्पून है, और नमक हसबे जायका। हाँ, बस इतने से स्पाइसी डालते हैं, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालते इसके अंदर ना। हाँ, ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत सादा सा होता है लेकिन बहुत टेस्टी होता है। बस इसके अंदर समझो बस हम लोग मक्खन यूज़ नहीं करते, वाला लोग जो मक्खन खाते हैं वो लोग इसके अंदर मक्खन डालते हैं लेकिन हम लोग पसंद नहीं, इस वजह से हम लोग नहीं डालते। हाँ, तो भाई हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं है मक्खन वगैरह, हम लोग खाते नहीं क्योंकि हमारे घर में कोई भी पसंद नहीं करता मेरे भाई के अलावा, खाली मेरा एक छोटा बेटा है बस वो खाता है, बाकी कोई भी नहीं खाता, बल्कि उल्टी आने लगती लोगों को। हाँ, अच्छा मुझे भी अच्छा लगता है लेकिन ना वो पॉपकॉर्न के अंदर थोड़ा सा बटर डाल के मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी मज़े की फ्रेग्रेंस आ जाती है, जो मार्जिन होता है ब्लू बैंड की, जो मार्जिन होती है मक्खन नहीं, वो ब्लू बैंड की मार्जिन होती है वो अच्छी लगती है मुझे, उसकी खुशबू अच्छी लगती है। मैं और आयशा तो बिल्कुल भी नहीं, उसकी खुशबू बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा, इसको भी हमने ना लो फ्लेम पे रख दिया था और तकरीबन 1/2 घंटे के लिए रख दिया था, और इसका अगर आप प्रेशर कुकर में चढ़ाएंगे तो काफ़ी जल्दी बन जाएगा। तो बहुत जल्दी बन जाता है प्रेशर कुकर में, तो हम लोग तो हंडिया में बनाते, खैर मुझे थोड़ा सा हंडिया में बनाना अच्छा लगता है क्योंकि ना हल्की आँच पे जो बनते हैं ना वो बहुत मज़े का बनता है। हाँ, पालक को काफ़ी देर बनाना से ज़्यादा फ्लेवर आता है, अच्छा, प्रेशर कुकर से हमें डर भी लगता है। अच्छा, मेरा तो एक दफ़ा फट गया था ना। हम लोग प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करते, अम्मी सोच रही कि बकरीद के लिए ले लें लेकिन वो डर भी लगता है एक दफ़ा यूँ उछल के, मतलब जाके फाल होगा नहीं नहीं हर वे नहीं आया आ गया कोल्ड ड्रिंक, मुझे तो ये फालूदा खाना था, मैं तो कोल्ड ड्रिंक ही पी रही हूँ, मजबूरी में कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ेगी। उफ, ये पापा लेकर आए ना मेरे लिए, पापा वॉशरूम में, पापा मेरे लेकर आए हैं, यस, एक स्टिंग और साथ में फालूदा, यस, शशके मारेंगे शशके। तो बस हम लोगों ने रात के डिनर में पालक
सुहाजना गोश्त बनाया था और उसके बाद हम लोगों ने वो खा लिया था। इसको बस अच्छा जो टमाटोज डाल के ना बस भून लिया था। उसकी वीडियोस मैंने शूट नहीं कर पाई क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आ गए थे। अच्छा इसके बाद मैंने हम लोगों ने मैंने और मेरी बहन का प्लान था कि हम लोग फालूदा मंगवाएंगे। तो हमारे साथ ये हुआ कि हमने अपने भाई से मंगवाया था, वो ला के नहीं दे रहा था, तंग कर रहा था काफ़ी। तो हम मुझे लगा कि ना उसने कोल्ड ड्रिंक्स हमें पकड़ा दी हैं और हमें नहीं मिलेगा, लेकिन वो पापा लेकर आए थे हमारे लिए, है ना। हाँ आप कोल्ड ड्रिंक तो पापा लेके आए थे। हाँ पापा का इरादा था कि जलेबियाँ खिलाएंगे लेकिन लेके जाके, लेकिन मतलब अभी रजब का महीना तो रोज़े होते मेरे, तो इसलिए पापा लेके नहीं फिर जा ही नहीं पाते। तो गरम गरम ही अच्छी लगती जलेबी ना, वहाँ की कायदाबाद की जलेबियाँ बहुत मज़े की होती हैं, तो इसलिए पापा ने बोला था। तो लेकिन मेरा रोज़ा होता है दिन में, तो फिर पापा फिर गए नहीं। तो बहरहाल मेरा भाई यहाँ पे फालूदा ले आया था और बहुत ज़्यादा मज़े का था ये, बहुत मज़े का होता है ये। इसमें काफ़ी नट्स वगैरह भी होते हैं। और कहाँ का था, नागौरी का था, नागौरी का था पता नहीं शायद, यहाँ पर दहलवी का नहीं है ये, तक ढाई नंबर से लेकर आया था भाई ना। कहाँ का है देखा नहीं हमने, नाम नहीं देखा उसमें आपने। नहीं नाम नहीं पता, नहीं मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ का है, बस हमें यही पता ढाई नंबर हमने देखा ही नहीं कहाँ का था। जहाँ का भी था बहुत मज़े का था। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग शादी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। शादी में जाने के लिए हम लोग यहाँ पर अपने कुछ कपड़े वगैरह प्रेस कर रहे हैं और बस यही कर रहे हैं। हाँ बस आपको पता है शादियाँ वगैरह की दावत आए तो जाना ही होता है। शादी में तो खैर तीन दिन जाना था, बस तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही थी, इस वजह से हम लोग गए नहीं, सिर्फ हम लोग वली में गए। हाँ फिर हम लोग बस वली में गए थे, कैंसिल कर दी। हाँ फिर अच्छा भी नहीं लगता, मतलब कुछ मतलब ज़्यादा करीबी होते हैं ना, मतलब जो ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं हम उनकी वेडिंग्स पर इस तरह जाते तीनों दिन, लेकिन मतलब हर किसी की शादी में नहीं जाते हैं। वो भाई के फ्रेंड की थी फिर इतना अच्छा भी नहीं लगता। हमारे पड़ोसी थे लेकिन इतनी ज़्यादा कोई मतलब हमारी मैं वो हमारी वजह से पापा हमारी वजह से नहीं गए क्योंकि मेरी और मेरी बहन की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनके साथ, तो फिर हम लोग बोर हो जाते हैं। और मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं कह रही थी तुम लोग चले जाओ, कह रहे नहीं मामा के बगैर तो कभी भी नहीं जाएंगे, अकेले क्या कहाँ अच्छा लगता है, फिर बस फिर हम लोग गए ही नहीं। अच्छा और यहाँ पर अब हम बस यहाँ पर कपड़े वगैरह प्रेस कर रहे हैं और बस और यहाँ पर बस मैंने आपको अपने को ड्रेस दिखा दी। ये वाला ड्रेस मैंने अपनी कजिन के एंगेजमेंट में सिलवाया था ना, और बहुत प्यारा लगता है ये, बहुत डिसेंट है अभी, ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लुक आता है यार। ये सारा मुंह वॉश करवाया था हमने इसका ना, हाँ बन रही थी, इनको बहुत शौक है मैं तैयार हूँ ना। आज हम लोग जा रहे हैं शादी में और मैं कौन से कपड़े पहनने वाली हूँ, ये वाले पहनने की तैयारी। मैं आपको दिखाती हूँ उसकी फुल डिज़ाइनिंग। अच्छा ये वाली ड्रेस मैंने अपनी कज़न की इंगेजमेंट में सिलवाई थी। ओह हाँ फिर मैंने नहीं बनाई वीडियोस वगैरह और फिर फजूल में फिर लोग बोलते हैं कि ये आगे वो आगे, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, इसलिए फिर मैं अपने मैंने डालना ही छोड़ दिया अपने किसी भी रिलेटिव्स की वीडियोस वगैरह। हाँ, ये तो बस जिनका मुझे पता है ना कि वो जो अलाउ करते हैं जो, फिर बस मैं उनकी डालती हूँ बस, और नए नए लोगों की नहीं डालती। और यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं अंडे मटर और क्या में बस, और बस यहाँ पर हम लोगों ने बस इसके अंदर मटर डाले और बस इसके अंदर एक गिलास पानी डाल के इसको ना गलने रख दिया था, मटर भी साथ में गल जाए। अच्छा साथ में हम लोग यहाँ पर डाले हैं कुटी हुई मिर्चें तकरीबन वन टेबल स्पून और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और सॉल्ट टू टेस्ट जितना आप खाते हो या जितना पसंद करते हो। अब बस यही चीज़ें डाली हमने, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, ऐसा पानी डाल के इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। हाँ। क्योंकि मटर बिल्कुल फ्रेश है, वो जल्दी से गल जाएंगे और बस इसके बाद ये हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या डालेंगे, अंडे, अंडे फेटे हुए अंडे डाल देंगे। हाँ बस अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ना। देखिए अब 5 से 6 मिनट हो गए हैं, इसका सारा पानी जो है ड्राई हो गया है। अब इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे जबकि उसका ऑयल सेपरेट हो गया। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाए इसके अंदर हम डालेंगे अपने फेटे हुए अंडे। तो तकरीबन यहाँ पर हम 3 अंडे डालेंगे और बस इसके अंदर डाल देंगे। बहुत मज़े के होते हैं, बहुत आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप साइड डिश के तौर पर भी इसको बना के रख सकते हैं उनके आगे, बहुत अच्छे लगते हैं ये, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा हमारे कहने से, आप काफ़ी अच्छे लगेंगे, आपको काफ़ी पसंद आएंगे इसको।
तो बस यहाँ पर अम्मी आपने यहाँ पे पहले दो अंडे डाले थे क्या? हाँ, पहले मैंने दो डाले थे, फिर मैंने कहा कम लग रहा है, फिर मैंने एक और डाल दिया, फिर अम्मी ने एक और डाल दिया था अंडे। और वैसे मुझे ना मटर इतने पसंद नहीं है, मैं अंडे ही खाती हूँ उसके अंदर, क्योंकि मटर का फ्लेवर मुझे पसंद नहीं है। हमें तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने सारे मटर निकाल निकाल के आयशा को दे दिए थे, और हम लोगों की ईद हो जाती है फिर। हाँ, मेरी बहन की बहुत अच्छे लगते हैं उसको, लेकिन मुझे नहीं अच्छे लगते। मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, इसमें देखिए ये अंडे डालने के बाद ना लाइट टाइट सा ना, जैसे बिल्कुल तेज से चम्मच नहीं चलाना, आहिस्ता आहिस्ता चलाए तो बहुत अच्छा लगता है, वरना अगर तेज से चला देंगे ना अजीब सा कुचला सा बन जाता है। कुचला कुचला सा बन जाता है। हमारा बचपन में करती थी ना अम्मी, वही बन जाता है, वही बन जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। फिर ये कि थोड़े से वैसे जरा से अंडे नज़र आते हैं, मटर नज़र आते हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं छोटी थी ना, मेरी जब डांट के मुझे कहती थी अगर तंग करूँगी मैं तुम्हारा कुचला कर दूँगी, मुझे वो याद आ गया कुचला। बस क्या कर सकते हैं, अब बचपन की बातें हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं ऐसे।